Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay. यार क्या हाल है तुम सभी के? उम्मीद करता हूँ तुम सब बहुत बढ़िया होगे। मैं भी एकदम बढ़िया चल रहा हूँ। तो खैर, वीडियो के थंबनेल और टाइटल से तो तुम समझ ही गए होगे आज की वीडियो नारुतो के ऊपर है। और मैं बता दूँ, इस वीडियो स्पेशली उन लोगों के ऊपर है, मतलब उन लोगों के लिए जो मतलब एनिमे नहीं देखते, आज जो नारुतो नहीं देखा, आज जो मतलब स्पेशली एनिमे देखते ही नहीं है, आज जो कहते रहते हैं अब यार एनिमे और कार्टून क्या करते रहते हैं, तो दोनों एक ही तो होते हैं, अलग अलग थोड़ी होते हैं। अब भाई इनको देख के बस थोड़ी बहुत हंसी आ जाती है। हाँ भाई एक ही है यार, तो क्या एनिमे करके कुछ अलग थोड़ी कह लिया, एनिमे कहने से अलग थोड़ी हो जाएगी भाई, मुझे तो पता ही नहीं यार तुम देख इसमें क्या मज़ा आता है, क्या देखने में, सारे तो ऐसे हैं कार्टून कहीं। यही चीज़ें लोग बोलते थे एनिमे नहीं देखते एनिमे के बारे में। तो स्पेशली ये जो कहानी है नारुतो की, ये किसकी कहानी है या क्या है इस कहानी में, तो मैं तुम्हें शॉर्ट में और समझा देता हूँ। नारुतो बेसिकली एक ऐसा लड़का जो एक छोटे से गांव में रहता है, 10-12 साल का लड़का, जिसके मम्मी पापा उसकी जन्म के कुछ वक्त बाद ही उनकी डेथ हो जाती है। परिवार में उसके अलावा कोई नहीं होता, कोई भाई बहन या कोई रिश्तेदार नहीं। गांव में सिर्फ गिनती के गिने चुने कुछ लोग होते हैं जो उसको पसंद करते हैं, नहीं तो पूरा का पूरा गाँव उसे हेट करता है, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, यहाँ तक कि वो उसे अपने बच्चों के साथ भी नहीं खेलने देते। और यही है नारुतो की बेसिकली कहानी। ये कहानी उसी के चारों तरफ घूमती है, उसके इर्द गिर्द, फिर कैसे कैसे आगे, मतलब वो खुद को और धीरे धीरे करके दिखाता है, उसके फिर दोस्त भी बनते हैं जबकि पहले वो बिल्कुल अकेला होता है, और वो फिर कैसे मतलब वही लड़का आगे जाके गांव का सबसे बढ़िया होकागे बनता है। होकागे मीन्स गाँव का लीडर, जो कि उसका एक सपना भी होता है कि उसे एक दिन गाँव का होकागे बनना ही बनना है, जबकि वो कुछ भी नहीं होता वो, मतलब ये लगा लो अगर तुम एक निंजा को कह सकते हो बहुत अच्छा निंजा, तो नारुतो कहीं स्टैंड नहीं करता, वो बहुत ही बेकार होता है, उसके पास कोई उसके लिए कोई टैलेंट भी नहीं होता, लेकिन उसके बाद वो कैसे मतलब ऐसे मुकाम तक पहुंचता है, मतलब वो कुछ भी नहीं होता है लगा लो, और फिर वो सबसे बेहतरीन बनता है। तो यही नारुतो की कहानी है। इस कहानी में तुम्हें इमोशन देखने को मिलेगा भर भर के, कहानी बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है, कहानी का एकदम मस्त स्टोरी लाइन है, कहानी कैरेक्टर्स एकदम बढ़िया है, हर कैरेक्टर अपने आप में खास है और फनी। तुम्हें मतलब बहुत सारे ऐसे मोमेंट मिलेंगे, तुम्हें सच्चे में बहुत मज़ा आएगा, हंस हंस के तुम समझ जाओगे बस अपने आप जब तुम देखोगे एक बार ही वो नाटक। खैर सिर्फ इतना ही, तो यही है नारुतो की कहानी। तुम जैसे इसका पहला एपिसोड एक बार ही देखोगे तुम अपने आप फैन हो जाओगे इसके बाद, फिर अपने आप तुम्हारा मन करेगा अगला एपिसोड देखते रहने का। तो खैर अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को याद से लाइक मार देना, और चैनल पे कोई भी पहली बार आ रहा है, कोई नया है, तो यार याद से वो सब्सक्राइब का जो बटन है ना वो दबा देना, और उसके बगल में जो बेल आइकन है वो भी दबा देना। मुझे नहीं पता यार बस क्लिक हो जाना चाहिए यार, बहुत कम सब्सक्राइबर है, लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख के निकल लेते।